नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विपक्ष लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है। उनका कहना है किसान और विपक्ष नए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी पर फसल की खरीद होनी चाहिए, अभय चौटाला कह रहे हैं। कम पैसे पर खरीदने वालों पर कार्रवाई हो। औद्योगिक खरानों को लाभ देने के लिए कानून बनाए गए हैं और टेरी के नाम पर 5 और बोरी भरने के नाम पर 9 रुपए वसूले गए हैं, उनका कहना है। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा मूंगफली की खरीद भी सस्ते दामों पर ही की गई है, किसान की अनदेखी को सहन नहीं करूंगा। मंडियों में किसान को लूटने का काम किया गया है और कर्मचारियों को हर साल 10% महंगाई भत्ता दिया जाता है, लेकिन किसान की फसल के लिए नहीं सोचा जाता। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उन्होंने किसानों के मुद्दों को यहाँ पर रखा है। उन्होंने कहा ये बिल किसानों के खिलाफ है और कम कीमत पर उनकी फसलें ली जा रही हैं, ऐसा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी तरफ से ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही गई हैं। उन्होंने कहा साफ तौर पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, एमएसपी पर फसल की खरीदी होनी चाहिए और लगातार इसी मुद्दे पर मांग उठाता रहा है लगातार विपक्ष। कम पैसे पर खरीदने वालों पर कार्रवाई की मांग थी उनके द्वारा की गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूंगफली की खरीद भी सस्ते दामों पर ही की गई है, इसके साथ किसान की अनदेखी भी हो रही है जो कि मैं सहन नहीं करूंगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे थे। कर्मचारियों को हर साल 10% महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन किसान की फसल के लिए बिल्कुल नहीं सोचा जाता। अभय चौटाला की तरफ से तमाम बातें सामने आई हैं। आगे बढ़ेंगे। लव जिहाद के संभावित कानून पर भी अभय चौटाला ने कहा है बीजेपी देश का विभाजन के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम जात पात धर्म को पीछे रखना चाहते हैं। जो कानून हम ला रहे हैं उन्होंने कभी प्यार नहीं किया, तो घोटालों की जांच होनी चाहिए, मुद्दों पर भटकाया न जाए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा जो कानून ला रहे हैं उन्होंने कभी प्यार ही नहीं किया, घोटालों की जांच होनी चाहिए, मुद्दों पर भटकाया न जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखते हुए अभय चौटाला नजर आ रहे थे। इससे पहले उन्होंने कुछ किसानों के मुद्दों को उठाया, उसके बाद लव जिहाद के मुद्दे को उठाया है। बीजेपी देश के विभाजन के लिए काम कर रही है, उनका कहना है। उन्होंने कहा हम जात पात धर्म को पीछे रखना चाहते हैं। विपिन परमार तमाम जानकारी के साथ, हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन परमार, बताया जा रहा है कि अभय चौटाला तमाम मुद्दों पर बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया है, किसानों का मुद्दा भी उन्होंने पुरजोर तरीके से यहाँ पर उठाया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अभय चौटाला की बात करें, उनके द्वारा एक बार फिर से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। उनका ये कहना है कि एमएसपी पर खरीद करने की बात की गई थी, लेकिन अलग अलग कैप्स लगाकर जो है वो किसानों को कमजोर करने का काम जो है प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में मूंगफली की खरीद को लेकर जो दावे और जो बातें विधानसभा के अंदर सरकार की ओर से की गई थी, उनमें से कई चीजें किसानों को खरीद से पहले जो है कई कैप्स लगा दिए गए। ये तक पूछा गया कि मूंगफली के छिलके का कितना भार है और अंदर जो दाना रहेगा उसका कितना भार है, जो कि कोई नहीं बता सकता। इसी के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर सीधे तौर पर अभय चौटाला का ये कहना है कि इनेलो जो है वो किसान हितैषी पार्टी है और किसानों की बात जो है कि इनेलो करती रहेगी। ऐसे में किसानों की ओर से जिस तरह से जो एक मार्च दिल्ली के लिए निकालने की बात की गई है, उसमें भी इनेलो जो है वो अपना समर्थन देगी। वहीं लव जिहाद का मुद्दा जो है वो बेहद गरमाया हुआ है। कल ही प्रदेश सरकार की एक बैठक गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें कि एक कमेटी बनाने का प्रपोजल जो है वो रखा गया है। लेकिन साफ तौर पर अभय चौटाला का ये कहना है कि 18 साल की उम्र के बाद इस देश में जो बच्चा है वो बालिग हो जाता है और ऐसे में उसको अपने जीवन के अधिकार जो है उसको अपने फैसले लेने का अधिकार होता है। ऐसे में लव जिहाद का जो मामला है उसको लेकर जो सरकार कानून ला रही है वो विभाजन करने वाला है, क्योंकि जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर जो है भाईचारे की बात जो है वो करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसका विपरीत जो है वो किया जा रहा है। इसी के साथ साथ उनके द्वारा जो है एक हास्यास्पद ढंग से एक तंज भी कसा गया। उनका ये कहना था कि लव जिहाद की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी प्यार नहीं किया, तभी आज उनके घर जो है वो बसे हुए नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन परमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए।